जय सिया राम जी की। अभी तक श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड की कथा में हमने सुना कि भरत जी माताओं और समस्त प्रजा के साथ राम जी को लाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं। प्रयागराज में उन्हें मुनि श्रेष्ठ श्री भरद्वाज जी के दर्शन होते हैं और मुनि उनसे कहते हैं कि आप हमारा आतिथ्य ग्रहण कीजिए। तब भरत जी बड़े संकोच में पड़ जाते हैं, लेकिन वो मुनि की आज्ञा को टाल भी नहीं सकते थे और वो स्वीकृति दे देते हैं। अब आगे की कथा सुनते हैं। प्रभुकर पंकज कपिकै सीसा सुमिर सुदसा मगन गौरीसा राम बिरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज पहुनाई करि हरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। ऐसा श्री भरद्वाज जी ने रिद्धियों और सिद्धियों से कहा था। रिधि सिधि सिर धरि मुनि बरबानी बड़ भागिनी आपो ही अनुमानी कहीं परस्पर सिधि समुदायी अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंद करे सोयाजु होई सुखी सब राज समाजु अस कही रचेव रुचिर ग्रह नाना जेहि बिलो के बिल खाए ही बिमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलकते हैं लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरी भरी राखे देखत जिन्हें अमर अभिलाषे दासी दास साजु सब लीने जोगवत रहे मन ही मनुदीने। उन घरों में बहुत से भोग इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सज सिधि पलमाही जे सुख सुरपुर सपने हुनाही प्रथम ही बास दिए सबके ही सुंदर सुखद जथा रुचि जे ही। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसी ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। प्रभुकर पंकज कपिकै सीसा सुमिर सुदसा मगन गौरीसा बहुरी सपरिजन भरत कहो ऋषि अस आयसु दीन विधि विस्मय दायक विभव मुनिबर तपबल कीन। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका सब लघु लगे लोकपति लोका सुख समाज नहीं जाई बखानी देखत बिरत बिसार ही ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोक तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं।
आसन शयन सुबसन बिताना बन बाटिका बिहग मृग नाना सुरभि फूल फल अमिय समाना विमल जलाशय विविध विधाना आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोवे वन बगीचे भांति भांति के पक्षी और पशु सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल अनेकों प्रकारों के तालाब कुएं बावली आदि निर्मल जलाशय असन पान सुच अमीय अमी से देख लोग सकुचात जमी से सुर सुर भी सुर तरु सभी के लख अभिलाष सुरेश सची के तथा अमृत के भी अमृत सरी के पवित्र खान पान के पदार्थ थे जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी सब कह सुलभ पदार्थ चारी स्नक चंदन बनितादिक भोगा देख हरस विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु है शीतल मंद सुगंध तीन प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्ति होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा सुमिर सुदसा मगन गौरी सा संपति चकई भरत चक मुनि आयस खिलवार तेहिनिस आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। संपति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा हैं और मुनि की आज्ञा खेल है। जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा और ऐसे ही सबेरा हो गया जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। कीन निमज्जन तीरथ राजा नाई मुनि सिर सहित समाजा ऋषि आयसु आशीष सिर राखी करि दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथ गति कुशल साथ सब लीन है चले चित्र कूट ही चित दीन है राम सखा कर दीन है लागू चलत देह धरि जन अनुरागु। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा गो के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया लखन राम सिय पंथ कहानी पूछत सखई कहत मृदु बानी। ना तो उनके पैरों में छूते हैं और ना सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषादरा से लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है राम बास थल बिटप बिलोके उर अनुराग रहत नहीं रोके देखी दशासुर बरसे ही फूला भई मृदु मही मगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा सुमिर सुदसा मगन गौरी सा किए जाहि छाया जलद सुखद भई बर बात तस मगु भयउ न राम कह जस भा भरतहि जात।
बादल छाया किए हुए जा रहे हैं। सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चित ए प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग ही मिटा दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कई नाही, सुमिरत जिन्हीं राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बर अस कहई, भरत ही निरख हरष ही लहई। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे ना हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देख प्रभाव सुरेश ही सोचो, जगु भल भले ही पोच कहु पोचू। गुरसन कहेउ करे प्रभु सोई, राम ही भरतई भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश श्री राम जी लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही ना हो। प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा, सुमिर सुतसा मगन गौरीसा। राम संकोची प्रेम बस, भरत सप्रेम पयोधि। बनी बात बेगरन चहति, करय जतनु छलु सोधि। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसीलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। माया पति सेवक सन माया, करई त उलट परई सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने हजार नेत्र वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वो उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाल कर होइहि हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाहि न काऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते हैं। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहास, यह महिमा जानहि दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है, इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जे ही। सारा जगत श्री राम को जपता है, वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा।
प्रभु कर पंकज कपि कैसीसा सुमिर सुदसा मगन गौरीसा मनहु न आन्य अमरपति रघुबर भगत अकाजु अजसु लोक पर लोक दुख दिन दिन शोक समाजु। हे देवराज रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए, ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज हमारा उपदेश सुनो, श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है, वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोषो, गहे न पाप पूर्ण गुण दोषो, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यद्यपि वे सम है, उनमें न राग है न रोष है और ना वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं, उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है, जो जैसा करता है वो वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहे सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा, अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं, भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मार कर तार देते हैं। गुण रहित निर्लेप मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेमवश ही सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, अस जिया जान तजहु कुटिलाई, करउ भरत पद प्रीत सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते आए हैं, वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। प्रभु कर पंकज कपि कैसीसा सुमिर सुदसा मगन गौरीसा, राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत सिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुर पाल। हे देवराजेंद्र श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं, वे दूसरों के दुख से दुखी और दयाल होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संग प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आयस अनुसारी, स्वार्थ बिबस बिकल तुम होहु, भरत दोसु नहीं राउर मोहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो, इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुनि सुर बर सुर गुर बर बानी, भा प्रमोद मन मिठी गलानी, बरसि प्रसून हरसि सुर राउ, लगे सराहन भरत सुभाव। देव गुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। एविद भरत चले मग जाही, दशा देखी मुनि सिद्ध सिंहाही, जब ही राम कहीं ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं, उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब ही राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। त्रहवें बचन सुनि कुलिस पसाना, पुरिजन प्रेम न जाई बखाना, बीच बास कर जमु नहीं आए, निरख नीर लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता, बीच में निवास मुकाम करके
भरत जी यमुना के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भराया। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमिर सुदसा मगन गौरी सा। आज श्री राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। अगले अंक में जानेंगे कि भरत जी किस प्रकार से चित्रकूट तक पहुँचे और वहाँ जाकर उस पर्वत को देखकर जिस पर श्री रामचंद्र जी निवास कर रहे हैं उनकी क्या दशा हुई। तब तक आप बने रहिए सरोजेंद्र सनातनी के साथ और सुनते रहिए श्री रामचरितमानस की ये सुंदर कथा। जैसा कथा के इस भाग में आया कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तसिफल चाखा, तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे साथ जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है वो सब हमारे प्रारब्ध कर्मों का ही फल हमारे सामने आता है। इसीलिए हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए और सदा ही अपना सब कुछ श्री भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, जैसे कि महाराज दशरथ ने किया था। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। यदि आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया।